ज्यादा मोटा तकिया लगाने का अभ्यास तो नहीं? नहीं। घर में जब भी मौका मिले तेल की मालिश करो और गर्म पानी का सेक कर लिया करो, है ना। तो उसके बाद कुछ एक्सरसाइज बता देंगे, वो एक्सरसाइज आप अपने घर में कर सकते हैं, है ना। अभी तो कुछ नहीं कर रहे होंगे। एक्सरसाइज तो ठीक है, आपने बताई है। हाँ, इसमें जो गर्दन से और कंधे से जुड़ी हुई एक्सरसाइज होती है ना, उसको करना चाहिए कम से कम 15-20 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को। जब भी आप कंप्यूटर पे बैठते हैं, आप अभ्यास रखें कि जैसे आधा घंटा हो गया तो उस समय एक बार उठ करके चक्कर लगा लें, या वहां बैठे बैठे ही गर्दन की एक्सरसाइज होती है ना, जो गर्दन को दाएं बाएं घुमाना, ऊपर नीचे करना, ये एक बार कर लेना चाहिए, है ना। अपने दोनों हाथ अपने या पीछे सिर पे बांध के और हाथों को खोलना, दोनों हाथों को कंधों को इस तरीके से गोल घुमाने वाला काम ये है ना। हाँ, तो इससे क्या है, जकड़न धीरे धीरे अपने आप खुल जाएगी। अपन कंटिन्यू बैठे रहेंगे तो जाम हो जाता है ना। कुछ पॉइंटों के ऊपर डार्क सर्कल बन गए है ना, तो ये कहीं ना कहीं मसल्स में स्पास में खिंचाव हुई है, उसके कारण से हो गया। ये दो दिन रुकेंगे, दो दिन बाद इसमें से ब्लड सर्कुलेशन वापस चालू हो जाएगा और ये नॉर्मल आने लग जाएंगे, है ना। अगर ये डार्क रहते हैं तो इस जगह कहीं ना कहीं हमारी अबनॉर्मलिटी आ रही है ब्लड में, है ना, वो मसल्स को खींच रही है, तो जाम हो रहा है, तो हम उसमें ब्लड कपिंग कर सकते हैं। एक बार आप हीमोग्लोबिन चेक करा लो ना, जैसे ये ज्यादा काला पड़ रहा है तो इस पे आपने खिंचाव है ना, तो उसके कारण से अभी ये वाला मसल्स है, लिगामेंट्स है, इनमें खिंचाव होता है, तो ये दर्द है। इस जगह ब्लड कपिंग कर देंगे, ये हीलिंग हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसे ही जैसे यहाँ लगाया, तो यहाँ लगाया ना, ये यहाँ दाने जैसे डॉट स्पॉट जैसे बन गए, सेंटर में तो ठीक है लेकिन चारों तरफ स्पॉट बन गए, तो ये कहीं ना कहीं क्लॉट्स हैं, ये क्लॉट्स निकल जाएंगे और आपको अच्छा आराम मिल जाएगा, है ना। ये डार्क पड़ गए, ये धीरे धीरे ठीक होते जाएंगे, है ना।